Hello my dear students, in this video we are going to continue the English second lesson, a synopsis, the Swiss family Robinson. Over the next few days, William, father, attached the floatable old kegs to one another and built a bow that curved around them. Over the next few days, now they have decided that they will गो अप टिल द आइलैंड, उतना हमने देखा था. सो कुछ दिनों के अंदर विलियम, जो हमारे स्टोरी के जो फादर है, उस स्टोरी में जो फैमिली उसके फादर है, अटैच द फ्लोटेबल ओल्ड केग्स. व्हाट यू मीन बाय केग? बैरल्स, बड़े बड़े ड्रम जैसा. तो ये बैरल्स को, वो भी कैसा है, फ्लोटेबल मीन्स दे कैन फ्लोट इन ऑन वाटर, पानी में तैरने लायक ओल्ड केग्स को अटैच ईच अदर, वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ अटैच करके, एंड बिल्ट अ बो दैट कर्व्ड अराउंड देम, एक बो बनाया, बो मीन्स एक धनुष जैसा बनाया, दैट कर्व अराउंड देम, और उसको आपस में जोड़ने के लिए उसके ऊपर से कर्व बनाया. द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड. और ऐसा एक केग वगैरह अटैच करके और बनाया हुआ पहला जो उनका पिनेस नहीं था, एक शिप जैस, छोटे से बोट जैसा उन्होंने बनाए थे, वो सबके मदद से दे रीच द आइलैंड. द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड. दे सेट अप अ टेंट आफ्टर रीचिंग द आइलैंड. दे सेट अप अ टेंट, एक टेंट बनाया, एंड सॉफ्टन द फ्लोर विथ आर्म लॉट्स ऑफ ग्रास दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज द बेड्स. इनसाइड द टेंट, टू सॉफ्टन द फ्लोर, जमीन को, टेंट के अंदर का जो फ्लोर है, फर्श है, उसको सॉफ्ट करने के लिए दे स्प्रेड आर्म लॉट्स ऑफ ग्रास. उन लोग क्या किए, बहुत सारे हाथ भर भर के ग्रास काट के ले आए, घास, एंड दे स्प्रेड ओवर द फ्लोर, एंड दैट वॉज द बेड. दे केम टू द ग्रूव ऑफ ट्रीज. दे केम टू अ ग्रूव, ग्रूव मीन्स अ स्मॉल फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, बहुत सारे झाड़ पेड़ भरे हुए एक जगह में पहुँचे. वन ट्री ग्रू वॉट लुक लाइक गर्ड्स ऑन इट्स ट्रंक. एक जो पेड़ उसमें से था और उसका जो ट्रंक है वो किसके जैसा, एक गर्ड के जैसा कुछ उसके ट्रंक में बन रहे थे. गर्ड क्या होता है, जैसा आपने बिटर गर्ड सुना होगा, करेले को बोलते हैं, बोटल गर्ड सुना होगा, दूधी लौकी उसको बोलते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि गर्ड का शेप क्या होता है. तो वैसा शेप का कुछ फ्रूट उसमें आ रहा था एक ट्री पे. द फादर टोल्ड फ्रिट्ज द गर्ड्स वुड मेक एक्सलेंट बाउल्स एंड स्पून्स. देखो फादर का क्या आइडिया था, ही टोल्ड हिज सन फ्रिट्ज दैट दिस गर्ड्स कैन बी यूज्ड टू मेक एक्सलेंट बाउल्स एंड स्पून्स दैट, एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स, यानी विद द हेल्प ऑफ दोस गर्ड्स दे मेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन. उन लोगों ने वो गर्ड्स को इस्तेमाल करके, गर्ड को इस्तेमाल करके बहुत अच्छे बाउल, स्पून एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटेंसिल्स दे मेड. After some days, Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. Kuch din baad, Elizabeth informed her husband, William, that she wanted to shift the family to a new, safer place. Abhi jo reh raha hai, wo itna safe nahi hai, itna surakshit nahi hai. She wanted her family to shift to a safer place. Their current camp was not only exposed but also very dry and hot. What do you mean by current camp? Current camp means अभी जो camp है जहाँ पर उन लोग ठहर रहा है. Camp means a temporary house is called a camp. So now the camp in which they are staying was not only exposed, वो सिर्फ खुला ही नहीं, but also very dry and hot. बहुत ही सूखा और गर्मी भी बहुत है. If they built a house up in one of the large trees, they would be safe from jackals. Jackal means it's a wild animal. वो आपने सुना होगा fox, लोमड़ी. तो लोमड़ी से बच सकता है if they make houses on the top of a big tree. एक झाड़ के ऊपर अगर tree house आपने देखे होंगे बनाएंगे तो they will
be safe from the jackals. She described a perfect tree for the project. Not only suggested, but she described a perfect tree for the project. Ye kaam ke liye, is project ke liye, to make a house on the tree. She described how, what kind of a tree they required. One whose trunk was nearly 40 feet in diameter. Unhone aisa suggest kiya ki aisa ek tree hona chahiye jiska height karib karib, nearly means karib karib 40 feet diameter ka hona chahiye. Diameter means bahut hi जाड़ा, तगड़ा होना चाहिए, यानी हाइट नहीं बता रहा है, उसकी चौड़ाई बता रहा है. द ब्रांचेस वर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक. और उस ट्री के वो ब्रांचेस किस तरह होना चाहिए, दे शुड बी वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा होना चाहिए, एंड एक्सटेंडेड मतलब चौड़ा फैला हुआ, स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक पे से एकदम स्ट्रेट आया हुआ. Making them perfect platform for a structure, ताकि एक अच्छा platform बन जाए, अच्छा एक base बन जाए जिसके ऊपर they can make a their house. Later, when determining the height of the lowest branches, the father taught the boys geometry and how to use triangles to measure big object. Then they decided the height of the tree and the height of the lowest branch in the tree, and then father called his बॉयज, अपने बेटों को बुलाया, एंड स्टार्टेड टीचिंग देम ज्योमेट्री. उनको अपने बच्चों को दे ही टॉट ज्योमेट्री टू देम, उनको ज्योमेट्री सिखाया. फॉर व्हाट, हाउ टू यूज ट्रायंगल्स टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट. जो ट्रायंगल, आप जब ज्योमेट्री सीखते हैं तो उसमें ट्रायंगल सर्कल वगैरह आता है, तो समटाइम्स इट दिस क्वेश्चन मस्ट हैव कम इन टू माइंड दैट व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस ट्रायंगल्स इन द रियल लाइफ. Why should we study this triangle, circle and all this perpendicular, bisector, this and that? What is the use of all these things in real life? It's not like that. Each and everything what we study in maths or any other subject, one way or other it comes into use. So geometry bhi hamara har ek building vagera banane ke time, even road banane ke liye, ye sabhi jagah mein ye geometry ka kaam aata hai. So he taught his boys how to use triangles to measure big objects. He measured a defined distance from the trunk. Ek fixed distance, ek decide kiye hue, ek definite outline wala distance unhone measure kiya. From the trunk means the main, what do you mean by trunk? The main stem of a tree is called trunk. Then he calculated angles using several measured rods. Aur bahut sare मेशर करके, बहुत सारे रॉड, रॉड मीन्स डंडे, उन्होंने काट के रखे हुए थे अलग अलग एंगल के लिए मेशर करने को. डिटरमाइनिंग दैट द लोवेस्ट ब्रांच वॉज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड. ऑफ द ग्राउंड मीन्स अवे फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से सबसे लोवेस्ट ब्रांच कितना होना चाहिए, कम से कम 30 फीट ऊंचा होना चाहिए. नाउ सी द नेक्स्ट पैरा. द मेन नॉटेड अ रोप at certain intervals and attached pieces of bamboo in each knot. What mean by knot? Knot means a loop of rope to fasten something. Fasten means bandhna. Koi cheez ko bandhne ke liye hum rassi ko ghuma kar andar jo lekar jo tight karte hain, hum hindi mein bolte hain gaant bandhna, that is knot. So the men knotted a rope at certain intervals. Ek rassi liya, rassi lekar usko thode thode gap dalkar गाट बांधने लगे. एंड अटैच्ड पीसेस ऑफ बम्बू इन ईच नॉट, हर एक गाट पे, हर एक जो रस्सी का लूप है जो बनाया उन्होंने, वो हर एक लूप के अंदर बम्बू के छोटे छोटे पीसेस उन लोगों ने डाल दिए, अटैच किए. दस दे क्रिएटेड दे लैडर, दस दे मेड दे लैडर, इसी तरह उन लोगों ने अपना लैडर बनाया. आपने इस तरीके का लैडर यू मस्ट हैव सीन ऑल्सो इन मूवीज और समवेयर एल्स. जो ट्री हाउस होते हैं, ट्री हाउस पे चढ़ने के लिए एक रस्सी पूरा नीचे डालते हुए, रस्सी में पूरे घाट घाट बांध के, वो हर एक नोट्स के अंदर से बम्बू या कोई लकड़ी को आर पार डालकर उस पर पैर रखकर चढ़ते हैं. सो सच अ लैडर दे मेड. फादर रिटर्न टू द बीच, सागर किनारे हैं तो बीच है एकदम पास में. रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड ड्रिफ्ट वुड. नाउ व्हाट इज ड्रिफ्ट वुड? Driftwood is the piece of wood floating in the sea. जंगल से वगैरह टूट के जो पानी से जो बह कर आया हुआ, नदी में, सागर में वगैरह जो बहता चले जाने वाले जो
लकड़ियों के टुकड़े होते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वुड. सो ही कलेक्टेड ड्रिफ्ट वुड फ्रॉम द सी शोर, फ्रॉम द बीच, थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज. ये सोचकर, थिंकिंग सोचकर कि इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज, ये एक स्लेज बनाने के लिए परफेक्ट होगा. व्हाट डू मीन माई स्लेज? स्लेज दो काम के लिए यूज़ करते हैं, एक पानी में चलने के लिए भी और एक आइस में वगैरह, आइसी रीजन में वगैरह चलने के लिए. वो ग्लाइड होकर या स्लाइड होकर जाते हैं, उसमें व्हील्स नहीं होता, नीचे कुछ स्ट्राइप्स लगे हुए रहते लकड़ियों का वगैरह कुछ, और वो उसके ज़रिए ग्लाइड होते होते जाएंगे जमीन आइस के ऊपर से या फिर इवन वाटर से. आई विल शो यू द इमेज ऑफ अ स्लेज. तो ये एक इमेज बनाने के लिए इट वुड बी परफेक्ट टू मेक एन सॉरी नॉट स्लेज बनाने के लिए ऑन रनर्स रादर दैन व्हील्स एंड दिस स्लेज वुड रन या स्लेज कैन बी यूज विद द हेल्प ऑफ रनर्स नॉट विद द हेल्प ऑफ व्हील्स. रनर के मदद से, रनर मतलब मैंने ऑलरेडी बताया कुछ स्ट्राइप्स होते हैं जो द स्ट्राइप्स ऑन विच समथिंग स्लाइड्स, कुछ स्ट्राइप्स ऐसे बना हुआ है जिसके ऊपर से, जिसके मदद से कोई चीज़ स्लाइडिंग होते जाएगा. तो रनर्स रादर देन व्हील्स, व्हील्स के बदले में रनर यूज़ करने वाले स्लेज बनाने के लिए ये ड्रिफ्ट वुड बेटर होगा, ऐसा सोचकर ही कलेक्टेड सम ड्रिफ्ट वुड. लेटर दे यूज इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल. आफ्टरवर्ड्स आफ्टर मेकिंग द स्लेज दे यूज दिस स्लेज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, यानी जहाँ पे से भी कुछ चीज़ें उन लोगों को मिले, उन लोगों ने ढूंढ निकाले तो अपने घर तक पहुँचाने के लिए दे यूज दिस स्लेज. नाउ द नेक्स्ट पैरा, बिफोर दैट आई विल शो यू द इमेज ऑफ अ स्लेज. ये देखो थोड़ा इस तरह रहता है एक स्लेज देखने के लिए. नीचे जो जो स्ट्राइप, जो नीचे जो पार्ट लकड़ी का दिया हुआ है उसके मदद से ये ज़मीन से स्लाइड होकर जाएगा. और ये ज़्यादातर ये इस तरह का स्लेज जो है वो आइसी रीजन यानी जहाँ पर बर्फ़ ढके हुए रहते वैसा जगह में, दैट ऑल्सो आई विल शो यू. ये देखिए यहाँ पर ये स्लेज को ये डॉग्स के मदद से खींचा जाता है और सामान वगैरह ले जाने के लिए, ले आने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट पैरा. Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. So, the father, what was the name of the father? Father was William. William and his sons, they were making, they were busy in bringing, gathering things for their requirement and making the house and all. So, meanwhile, the mother was doing something else. She was tending a garden. वो एक गार्डन को संभाल कर बड़ा कर रही थी. एंड नाउ शी डिक्लेयर्ड दैट या शी अनाउंस दैट द गार्डन स्टार्टेड गिविंग हेल्दी प्लांट्स, यानी वो गार्डन में हेल्दी प्लांट्स गार्डन में देने लगे, यानी उसमें हेल्दी प्लांट्स, उसमें उधर जो लगे हुए प्लांट्स है वो हेल्दी ग्रो हो रही है. ते करके कौन बताई? एलिजाबेथ ने बताई. अब इस गार्डन में क्या क्या चीज़ें है वो देखना है. यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन, क्या होता है मक्का, कौन है मेलन्स, मेलन्स मीन्स वाटरमेलन होता है, और दूसरा भी क्या बोलते हैं अपना जितना भोपला वगैरह जो कुछ भी वो कैटेगरी के सब मेलन्स में आते हैं. तो मेलन, मस्क मेलन आपने सुना होगा, पम्पकिंस और क्यूकम्बर्स. क्यूकम्बर क्या होता है? पम्पकिन भोपला, क्यूकम्बर यानी काकड़ी, वे आर ऑलरेडी ग्रोइंग. ये सब ऑलरेडी ही उन्होंने अपने गार्डन में लगा चुके थे और बढ़ रहा था वो. द नेक्स्ट डे ओनली द फादर एंड फ्रिज ट्रैवल टू द वुड्स. अगले दिन सिर्फ डैड एंड फ्रिज, विलियम और फ्रिज ट्रैवल टू द वुड्स. व्हाट डू मीन बाय वुड्स? वुड इज लकड़ी, बट वुड्स इज फॉरेस्ट. वुड में एक एस डालेंगे तो मीनिंग बहुत चेंज हो जाता है. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट. सो दे अलोन, दे बोथ टुगेदर ट्रैवल टू द वुड्स एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एक्सोटिक प्लांट्स एज वन विथ वैक्सी फ्रूट फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेड. किस लिए गए थे इन साइड द फॉरेस्ट? एक्सप्लोरिंग. व्हाट डू मीन बाई एक्सप्लोरिंग? एक्सप्लोरिंग मीन्स ट्रैवलिंग इन टू न्यू प्लेसेस, ट्रैवलिंग इन टू न्यू प्लेसेस टू फाइंड आउट समथिंग या टू नो समथिंग मोर अबाउट द एरिया, यानी कुछ नए जगह में जाना, ट्रैवल करना, और किस लिए, क्या पर्पज़ के लिए, उस जगह के बारे में ज़्यादा
जानकारी इकट्ठे करने के लिए जाना. दैट वे ऑफ अ ट्रैवलिंग इज कॉल्ड एक्सप्लोरिंग. एंड फाइंडिंग सच एक्सोटिक प्लांट्स. व्हाट यू मीन बाय एक्सोटिक? एक्सोटिक मीन्स फॉरेन, अदरवाइज नॉन नेटिव, यानी अपने एरिया का नहीं सा, अपना एरिया में नहीं दिखने वाला, बाहर के एरिया में या कोई और दूसरे जगह में रहने वाले, यानी जो रेयर है, जो एकदम जाना फेमिलियर नहीं है, जाना पहचाना सा नहीं. सच एक्सोटिक प्लांट्स मीन्स उन लोग ये जंगल जंगल में गए टू फाइंड आउट सम एक्सोटिक प्लांट्स एज वन विथ अ वैक्सी फ्रूट. और जैसे कि एक उनको मिला जिसमें वैक्सी फ्रूट होता है. वैक्स क्या होता है? जो कैंडल जिस मटेरियल से बनता है उसको वैक्स कहते हैं. तो वैसा वैक्सी फ्रूट, यानी वो फ्रूट में से वैक्स जैसा कुछ मटेरियल मिलता है, फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेड, जिससे क्या बना सकते थे? कैंडल्स. फ्रिक्स डिस्कवर्ड अ ट्री एक्सूडिंग अ रबरी सैप. फ्रिक्स ने उसमें उधर ढूंढ निकाला अ ट्री. एक्सूडिंग मीन्स ऊजिंग आउट, डिस्चार्जिंग, बाहर निकालते रहने वाला. एक्सूडिंग, ऊजिंग आउट, एक्सूडिंग अ रबरी सैप. एक ट्री ऐसा फ्रिक्स ने देखा जिस ट्री का एक स्पेशलिटी था कि वो रबर जैसा कुछ सैप, कभी कोई लकड़ी को आप काटोगे, झाड़ को काटोगे तो उसमें से कुछ ऐसा लिक्विड जैसा, सेमी लिक्विड जैसा कुछ चीज़ निकल कर आते हैं, उसे सैप कहते हैं. तो ये ऐसा एक ट्री देखा किसने? फ्रिक्स ने, जिसमें रबरी रबर जैसा सैप निकल कर आते हो. फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम्ड दैट दे कुड मेक बूट्स. और उसमें से उसके डैडी ने कहा, क्लेम्ड मीन्स डिक्लेयर्ड, या क्या बोलते हैं, दावा किया कि दे कुड मेक बूट्स, उन लोग पैर में डालने के लिए बूट बना सकते हैं. नेक्स्ट पैरा, थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंडो. थिंकिंग अहेड, अहेड मीन्स आगे, आगे के बारे में, यानी आगे आने वाले विंटर सीजन के बारे में सोचते हुए, फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स मीन्स यहाँ वेदरी एलिमेंट्स, रेन, सन, हॉट सन और कोल्ड, या इवन स्नोफॉल या हेलस्टोन, ये सब यहाँ पर एलिमेंट्स कहते हैं, वेदर एलिमेंट्स. सो द फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ सेफ प्लेस. डैडी ने, फादर ने डिसाइड किया कि एक सेफ प्लेस अभी रहने के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द विंटर इज अप्रोचिंग एंड विंटर इज अ सीवियर, वेरी सीवियर क्लाइमेट. सो दे शुड फाइंड आउट सम अदर सेफ प्लेस टू गो थ्रू फुल विंटर. अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर बिलोंगिंग्स. एक मजबूत स्टोरेज जगह जहाँ पर दे कुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को भी ये लोग प्रोटेक्ट कर पाए, एंड देयर बिलोंगिंग्स. बिलोंगिंग्स मीन्स ऑल द थिंग्स विच बिलोंग टू देम, जो चीज़ उनके पास खुद का है, उनके सभी सामान. फ्रिट्स केम अप विद द आइडिया ऑफ अ केव. सो व्हेन द फादर टोल्ड देम दैट दे शुड फाइंड आउट सम अदर सेफ प्लेस टू स्पेंड द विंटर, सडनली फ्रिट्स गॉट एन आइडिया. ही टोल्ड, व्हाई डोंट वी लिव इन अ केव, क्यों नहीं हम एक गुफे में रहते हैं. अ केव कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हैवी रेन और वॉट एवर विंटर सीजन. नॉट फाइंडिंग वन, सो एग्रीड विद दैट सजेशन ऑफ फ्रिज. फ्रिज का वो सजेशन माना गया, बट दे कुड नॉट फाइंड एनी, लेकिन कोई गुफा उनको दिखा नहीं. सो दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव इन द रॉक, अबर्टिंग देयर कैंपिंग साइट. सो दे कुडंट फाइंड एनी केव ओवर देयर. सो वॉट दे डिसाइडेड, उन लोगों ने डिसाइड किया कि दे वी वुड मेक आवर ओन केव, वी वुड कार्व आउट आवर ओन केव, हम खुद हमारा केव खोद कर खुद बनाएंगे. इन द रॉक, केव किस में बनाया जाता है? लकड़ियों से वगैरह नहीं, किससे बनाया जाता है? पत्थरों से बनाया जाता है, तो पत्थरों को तोड़ना पड़ता है. ओके, अबर्टिंग देयर कैंपिंग साइट. अबर्टिंग मीन्स एडजसेंट, अबर्ट एडजसेंट, एडजसेंट मीन्स एकदम बाजू में. अभी उनका कैंपिंग साइट जहाँ पर है, नाउ वेयर दे आर स्टेइंग नियर बाय दैट दे स्टार्टेड मेकिंग, दे डिसाइडेड टू मेक अ केव ऑफ देयर ओन. वन ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक, फादर मार्क द डायमेंशंस फॉर एन ओपनिंग. एक बड़ा सा पत्थर उसके पास था, मतलब उनके कैंपिंग साइट के पास. फर्स्ट ऑफ ऑल फादर चेक्ड ऑल द एरिया वेयर द रॉक इज लिटिल स्मूथ, वेयर द रॉक इज अ लिटिल स्मूथ, कहाँ पर यह पत्थर थोड़ा नरम है.
and there he marked the dimension. Dimension means length, breadth, width, whatever it is. तो वो dimension father ने draw किया for an opening. किसके लिए? एक opening. Opening चाहिए, door चाहिए, एक entry चाहिए to go into the rock. And they picked away at the hard surface with their axes. उन लोगों ने क्या किए? कुछ हमारे उनके पास axe थे, axe यानी कुल्हाड़ी, chisel, chisel भी ये जो you may have seen in the carpenter's storehouse या carpenter का दुकान में या carpenter के working place में workshop में you must have seen that chisel, लकड़ियों को side से ऐसा चीर चीर के निकालने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है चिसल. हैमर, हैमर यू नो, नेल वगैरह दीवार पे लगाने के लिए हम हैमर यूज़ करते हैं. एंड शॉवल्स, शॉवल फावड़े, फावड़े का जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है. तो ये सब अलग अलग टूल्स हो गया. सो दे स्टार्टेड मेकिंग द ओपनिंग विद द हेल्प ऑफ द एक्सेस, चिसल्स, हैमर एंड शॉवल्स. Later I'll show you the images of chisel and shovel. Over the next several days, the family cut windows in the rocks to allow for cross currents of air. आगे के कुछ दिनों में, several days means some more days में, the family cut windows. First they made an opening, and slowly, slowly they carved the rock, and they almost made a cave. And after some days, means within the next few days. What they did, they made different windows also for the cave. Cave के लिए बहुत सारे खिड़कियाँ भी बनाए. Why they made the windows? To allow for the cross current of air, हवा को आने जाने देने के लिए, for the ventilation and for sunlight to enter the cave. So what is the purpose of making so many windows? The first purpose is to allow the air to go through. Second purpose is to get to the sunlight to be entered inside. Sunlight ko andar aane ke liye. When they had finished, they had four rooms. Aur ye sab kaam pura ho jane pe, unke paas four rooms rahe. Inside the cave, just imagine, out of a big rock, they made their own cave. And then they made different windows for air to pass through and sunlight to get inside. And now the work is finished. Now if you go inside and see, you can find four different rooms, complete with a fireplace. You know, in cold countries, fireplace is a must thing. Fireplace is must, yani bahut hi important hai, because the winter season is very harsh there. To escape from the winter season, to survive through the winter season, they should have a fireplace inside every room or inside their house, inside which they put some firewood or something else like that, and they keep the house inside the house, keep the inside of the house warm. They now had a new winter home. Is tarah unhone apne liye ek acha sundar sa ek winter home prepare kiya. I have told you, I will show you the image of chisel. So this instrument is called chisel, and the other one was shovel. I'll show you that also. This is a shovel. Okay, now my dear students, I'm stopping here, and the last part of the same lesson we will come or we will see on the next video. Okay, hope you understood the video. Please read the lesson many times, try to understand the things, write the meanings. Whenever I gave you the meanings while explaining, please write the meanings in your textbook itself. Okay, and thank you for watching. See you later. Bye bye.